केंद्रीय ट्रेड यूनियन संघ के आह्वान पर आशा वर्कर, रसोईया और आंगनबाड़ी वर्कर सभी स्कीम वर्कर्स की संयुक्त देशव्यापी हड़ताल के तहत शुक्रवार को मुरादाबाद में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं आशाओं ने संयुक्त रूप से कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कहा गया कि सरकार द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को प्रोत्साहन राशि दी जा रही है, जिससे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में भारी रोष है। कहा गया कि हमें प्रोत्साहन राशि नहीं 21,000 रुपए प्रति माह मानदेय, पेंशन व फंड आदि दिए जाने की जरूरत है। प्रदर्शन के दौरान आंगनबाड़ी वर्करों को सुपरवाइजर पद पर पदोन्नत किए जाने की मांग लंबे समय से की जा रही है, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही। कहा गया कि 62 वर्षीय आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर की सेवाएं समाप्त किए जाने से संबंधित सरकार द्वारा जारी जुलाई 2020 के आदेश को तत्काल रद्द किया जाए। मांग उठाई गई कि प्रोत्साहन राशि नहीं बल्कि 21,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय, पेंशन व फंड आदि की व्यवस्था की जाए। बीमा योजना में निर्धारित आयु 59 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष की जाए। शिक्षा अधिकार कानून की तरह संसद के एक्ट कानून बनाकर आंगनबाड़ी को नियमित किया जाए। आंगनबाड़ी भर्ती में मनमाने ढंग से आरक्षण को रोका जाए। आरक्षण के संबंध में स्पष्ट आदेश दिए जाएं। प्रदर्शन एवं ज्ञापन के विषय में जानकारी देते हुए आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष चमन आरा एवं आशा वर्कर ने संयुक्त रूप से सिटी चैनल संवाददाता को बताया। आज स्कीम वर्कर संघ का अखिल भारतीय 24 सितंबर का जो है हड़ताल दिवस है। हर जनपद से आशा, आंगनबाड़ी, मिड डे मील वर्कर्स जो कि स्कीम वर्कर्स में आते हैं तो वो हड़ताल कर रहे हैं, और आज जो है वो उसी के माध्यम से अपना जो ज्ञापन है वो मुख्यमंत्री को दिया है, जिसमें है क्योंकि स्कीम वर्कर्स में जो आशा है, आशा को कोई मानदेय नहीं दिया जा रहा है, प्रोत्साहन राशि दी जाती है बस। और आंगनबाड़ी में भी बहुत कम मानदेय है, 5,500 रुपये कोई मानदेय नहीं। तो इन्होंने जो 1,500 प्रोत्साहन राशि बढ़ाने का झगड़े पे पूरी तरह से आंगनबाड़ी परेशान है, तो इसी तरह से जब पोषण ट्रैकर पर काम नहीं होगा तो 1,000 रुपए नहीं मिलेगा। अब आपकी क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि प्रोत्साहन धनराशि नहीं दी जाए, 21,000 मानदेय दिया जाए, आशा को भी 21,000 मानदेय दिया जाए। कोरोना महामारी में बिना सुरक्षा उपकरण के भेज दिया जाता है घर घर, तो सुरक्षा उपकरण देने के बाद अगर कोई बीमार होती है तो उसको 10 लाख का मुआवजा दिया जाए, और यदि कोई मृत हो जाती है तो 50 लाख का उसके बच्चे को मुआवजा दिया जाए। तो यही है, क्योंकि अब जो है निजीकरण की तरफ लेके जा रहे हैं, अस्पताल हो चाहे ICDS हो, तो किसी भी हालत में अस्पताल और ICDS को जो है वो निजी हाथों में नहीं सौंपने के दिया है। निजीकरण नहीं होना चाहिए, और ये जो है सरकार अपने तरीके से चलाए और उचित वेतन देकर इस स्कीम को आगे बढ़ाए, इसी के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। सब कोरोना काल में सब अपने घर बैठे थे और हम बिना सुरक्षा का बच के हम गाँव घर घर घूमते थे, इसके लिए हमें ना कोई पैसा दिया गया है, ना ही कोई मानदेय दिया गया है, इसके लिए हम अपनी मांग उठा रहे हैं और हमें बिल्कुल परमानेंट दिया जाए और हमारी मांगों को पूरा किया जाए। प्रदर्शन में शमा, मिथिलेश कुमारी, रीनू, जैनब परवीन, रेखा, कुसुम, कुमकुम, पार्वती, अंजुम, मिथिलेश रानी एवं निशा परवीन सहित भारी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां, सहायिकाएं एवं आशाओं ने शिरकत की।